भाकपा माले ने सोनबाद पंचायत अंतर्गत नयू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में स्पॉन्ज का रेक पॉइंट बनने से हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की किया मांग। बताया जाता है कहा कि रेक पॉइंट को अन्यत्र स्थापित करे या प्रदूषण के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करे। भाकपा माले की एक टीम ने आज नयू गिरिडीह सोनबाद स्थित स्टेशन का दौरा कर वहां FCI के अनाज के रेक पॉइंट के साथ साथ लौह अयस्क का भी रेक पॉइंट बना दिए जाने से उत्पन्न हुई प्रदूषण का गंभीर समस्या का जायजा लिया तथा इस पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। टीम में शामिल भाकपा माले के नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने इसे लेकर स्थानीय लोगों से बात भी की और कहा कि आयरन का रेक पॉइंट बनते ही यहां प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। विडंबना यह है कि जहां लोगों के खाने का अनाज उतरता है वहीं पर आयरन और के भी उतरने की प्रदूषण की स्थिति खतरनाक हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आयरन और के रेक पॉइंट को लेकर निर्धारित मापदंडों का यहां पालन नहीं किया जा रहा है। बेगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। रेक पॉइंट बनाया गया था लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर यहाँ पर आयरन और का भी यहाँ पर रेक पॉइंट बनाया गया है। अब यह देखा जा सकता है कि जहाँ पर खाने का अनाज उतर रहा है और उसी जगह पर जब आयरन और उसमें भयंकर डस्ट है, भारी प्रदूषण है, वो भी यहाँ पर उतर रहा है और यहाँ का पूरा नज़ारा भी देखा जा सकता है। और ये सब करने के लिए जो तरह के नियम प्रावधानों का भी पालन होना चाहिए प्रदूषण को लेकर के, हमें लगता है कि इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। अब किस परिस्थिति में रेलवे की ओर से अनाज के साथ साथ आयरन और जो भारी प्रदूषण और डस्ट का एक किस्म का वजह है, तो ये दोनों कैसे एक ही जगह पर इसका पॉइंट बनाया गया, ये हमें लगता है कि इस पर एक विचार होना चाहिए। और इसलिए अभी इसको लेकर के यहाँ आसपास के ग्रामीण भी पूरा एक तरह से आक्रोशित हैं पूरा, और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस सवाल को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग भी भाकपा माले की ओर से ये आह्वान करते हैं और हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि इस तरह से जो यहाँ का पूरा एक प्रदूषण का माहौल बनना शुरू हुआ है और आसपास के लोगों का यहाँ जीवन भी धीरे धीरे दुभर होना शुरू हो चुका है, तो इस संबंध में जो भी नियम है, प्रावधान है, उसका पालन होना चाहिए। और अगर यहाँ पर ये रेक पॉइंट अगर चलता है तो हमें लगता है कि ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही एक कष्टकारी साबित होगा आने वाले दिन में। इसलिए यहाँ पर अनाज का रेक पॉइंट है तो यहाँ पर से आयरन और लौह अयस्क जो है उसका, जिससे यहाँ भारी प्रदूषण हो रहा है, इसके रेक पॉइंट को अन्यत्र स्थानांतरित करना चाहिए। और अगर यहाँ पर इसको रखना है तो फिर इसके लिए पानी छिड़काव से लेकर के दूसरे जो भी जरूरी इसके लिए एहतियात है वो बरतने बहुत जरूरी है, जिसका अभी कोई पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ मनमाने तरीके से हो रहा है, प्रशासन इसका संज्ञान ले, अन्यथा हमारी पार्टी भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान सभा, हम लोग मिलकर के इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। न्यू गिरिडीह स्टेशन आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इसके पहले जो था वहाँ चावल अनाज उतरता था यहाँ पे और बड़ा साफ सुथरा रहता था, लेकिन हाल के दिनों से यहाँ पे आयरन अयस्क भी, जिसको कह सकते हैं स्पंज भी, यहाँ उतर रहा है। तो ठीक है, रेलवे ट्रैक अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग जगह नहीं जा सकता है, ठीक है, गिरिडीह के लिए एक बढ़िया है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जिस प्रकार से डस्ट उड़ रहा है और साथ साथ में अनाज जो आप खाते हैं, राशन के अनाज को जिसको खाना है उसमें डस्ट जाके डायरेक्ट मिलता है। और ये लोग जितने भी हैं जो चावल उठा रहे हैं, अनाज उठा रहे हैं, वो भी परेशान हैं। और यहाँ के जो हैं प्रबंधक, यहाँ के जो लोग हैं, ये भी परेशान हैं। बगल में खेत है, पूरा लंबा खेत है, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे जिस प्रकार से फैक्ट्री एरिया में एक तरफ कह सकते विकसित तो हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ सारा का सारा खेत बर्बाद हो गया, वहाँ का बंजर हो गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी होने वाला है। हम लोग आगाह करते हैं, यहाँ के लोगों को भी आगाह करते हैं वो कि थोड़ा सा इस पर पहल करें और साथ ही साथ यहाँ के जो है, यहाँ जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, उस मैनेजमेंट से कहना है कि पानी सुबह शाम दे दिया करें, वरना भाकपा माले आके फिर आपको बताएगी कि नियम क्या है, क्योंकि आपके जरूर नियम होंगे कि अगर यहाँ पे डस्ट है तो पानी तो आपको ही देना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि आप यहाँ के आसपास लोगों को एक डस्ट का बीमारी दे, यहाँ पे अनाज को बर्बाद करें। और टाइमिंग जो हो दोनों का, उठाने का, अनाज का उठाने का अलग हो, आपका आयरन का उठाने का अलग हो, इस प्रकार से अगर सुविधा की जाएगी तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अच्छा होगा। वरना आप आके देख लीजिए, पूरा गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप यहाँ पे आइए,
न्यू गिरिडीह और आके देखिए कि पुराना स्टेशन और अब के स्टेशन में क्या स्थिति है। आप चल नहीं पाएंगे, पैदल चलेंगे तो पूरा का पूरा पूरा मटमैला हो जाइएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।